डियर स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके सब्जेक्ट केमिस्ट्री के चैप्टर थ्री मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के आर्टिकल 3.2 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के बारे में पिछले वीडियो में मैंने इसी चैप्टर के आर्टिकल 3.1 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में बात की थी आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं इस आर्टिकल में, में मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज को समझाने के लिए मेटल्स की चार तरह की रिएक्शन का सहारा लिया गया है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स और रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद अदर मेटल्स सोल्ट सोल्यूशन इन रिएक्शन के बाद मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में बात की गई है तो चलिए शुरू करते हैं ऑक्सीजन के साथ मेटल्स की रिएक्शन को आपकी बुक एनसीआर में कुल नाइन पॉइंट में डिस्क्राइब किया गया है पहले पॉइंट में बताया गया है कि जब कोई मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है अलग अलग तरह के मेटल्स अलग अलग तरह के रिएक्शन करते हैं जैसे सोडियम और पोटेशियम जैसे मेटल तो हवा में खुले छोड़ते ही हवा में मौजूद ऑक्सीजन से एक्सप्लोसिवली रिएक्ट कर जाते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम गर्म करने पे तेजी से ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाते हैं एल्यूमिनियम जिंक और आयरन इत्यादि मेटल्स को ऑक्सीजन से रिएक्ट कर के लिए काफी गर्म करना पड़ता है और सिल्वर और गोल्ड ऑक्सीजन से बिल्कुल ही रिएक्ट नहीं करते इनके दूसरे पॉइंट में यह बताया गया है क्योंकि सोडियम और पोटेशियम को खुली हवा में छोड़ने पर वो ऑक्सीजन से एक्सप्लोजिवली रिएक्ट कर जाते हैं इसीलिए इनको कैरोसिन ऑयल में स्टोर करके रखा जाता है क्योंकि सोडियम और पोटेशियम कैरोसिन ऑयल से रिएक्ट नहीं करते हैं तीसरे पॉइंट में यह बताया गया है की मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो आंखों को चौंधिया देने वाली एक सफेद लाइट जिसे हम डेजलिंग व्हाइट लाइट कहते हैं प्रोड्यूस करता है चौथे पॉइंट में बताया गया है कि रूम टेम्परेचर पर मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक और लेड इत्यादि मेटल्स को खुला छोड़ने पर इनके सरफेस पर इनके ऑक्साइड की एक लेयर जमा हो जाती है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हवा में खुले छोड़ने पर इन मेटल्स के सरफेस के एटम्स ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाते हैं इन मेटल्स के ऑक्साइड्स की लेयर बाकी के एटम्स को ऑक्सीजन से कॉन्टेक्ट नहीं करने देती तो इस तरह से इन मेटल्स के सरफेस के एटम्स खुद ही ऑक्सीडाइज होकर ऑक्साइड्स की एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देते हैं जो शेष मेटल को ऑक्सीजन से रिएक्ट होने से बचा लेती है पांचवे पॉइंट में यह बताया है कि कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता है पर कॉपर को तेज गर्म करके छोड़ने पर कॉपर के सरफेस का कलर ब्लैक हो जाता है ऐसा इसलिए होता है कि कॉपर के सरफ़ेस के एटम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड बना देते हैं और कॉपर ऑक्साइड का कलर ब्लैक होता है छठे पॉइंट में ये बताया गया है कि आयरन का कोई बड़ा या छोटा पीस गर्म करने से ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता है जलता नहीं है पर आयरन फाइलिंग्स को अगर बर्नर की आग की लपटो पर छिड़का जाए आयरन तो फाइलिंग्स तेजी से जल जाती है ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाती है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आयरन फाइलिंग्स का सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है जो उसे तेजी से ऑक्सीजन से रिएक्ट करने में हेल्प करता है सातवें पॉइंट में बताया गया है की सिल्वर और गोल्ड जैसे मेटल्स कभी ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करते हैं आठवें पॉइंट में यह बताया गया है की मेटल ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं मतलब मेटल ऑक्साइड एसिड से रिएक्ट करके एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं क्यूँकी मेटेलिक ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं तो यह समझा जाता है कि वो सिर्फ एसिड्स के साथ रिएक्ट करेंगे पर कुछ मेटल ऑक्साइड जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड एसिड्स के साथ साथ सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड कर जाते हैं ऐसे जो एसिडिक बिहेवियर भी शो करते हैं और बेसिक बिहेवियर भी शो करते हैं उन्हें हम एम्फोटेरिक एम्फोटेरिक्स कहते हैं नाइन्थ पॉइंट में ये बताया गया है की मेटल ऑक्साइड्स जनरली वाटर में कम सोल्यूबल होते हैं पर एल्कली मेटल्स के ऑक्साइड जैसे सोडियम ऑक्साइड पोटेशियम ऑक्साइड वॉटर में बहुत ही अच्छे से डिजोल्व हो जाते हैं अब हम बात करते हैं मेटल्स के वाटर के साथ रिएक्शंस की पोटेशियम और सोडियम जैसे मेटल्स ठंडे पानी से रिएक्ट कर जाते हैं और रिएक्शन इतनी वॉयलेंट और इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूसिंग होती है कि रिएक्शन के दौरान बनने वाली गैस हाइड्रोजन सॉल्यूशन से निकलते ही आग पकड़ लेती है कैल्शियम ठंडे पानी से रिएक्ट कर जाता है पर कैल्शियम की रिएक्शन वाटर के साथ इतनी ज्यादा वॉयेंट और इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूसिंग नहीं होती की प्रोड्यूसड हाइड्रोजन आग पकड़ ले मैग्नीशियम ठंडे पानी से रिएक्ट नहीं करता है मैग्नीशियम गर्म पानी से रिएक्ट कर जाता है जब कैल्शियम और मैग्नीशियम पानी से रिएक्ट करते हैं तब सोलूशन में हाइड्रोजन गैस बनती है और हाइड्रोजन गैस बबल्स बनाकर ऊपर सरफेस पर आती है इसी दौरान कैल्शियम और मैग्नीशियम के छोटे पीसेस इन हाइड्रोजन के बबल्स के साथ चिपक जाते हैं हैं और और वो भी उनके साथ साथ सरफेस पर आकर फ्लोट करते आयरन जिंक जैसे मेटल्स ना तो ठंडे पानी से रिएक्ट करते हैं और न ही गर्म पानी से रिएक्ट करते हैं पर ये मेटल्स तेज गर्म पानी की भाप या जिसे हम कहते हैं सुपर हीटेड स्टीम इनसे रिएक्ट कर जाते हैं लेड कॉपर सिल्वर और गोल्ड पानी या स्टीम किसी से भी रिएक्ट नहीं करते हैं हम डिस्कस करते हैं मेटल्स की रिएक्शंस एसिड्स के साथ जनरली मेटल्स एसिड्स के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं लेकिन मैग्नीशियम और मैग्नीज के अलावा जब कोई मेटल डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तब प्रोडक्ट में सॉल्ट के साथ साथ हाइड्रोजन गैस नहीं मिलती है बल्कि वाटर मॉलिक्यूल्स मिलते हैं ऐसा क्यों होता है देखिए वास्तव में जब मेटल्स डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तब हाइड्रोजन गैस तो बनती है पर नाइट्रिक एसिड बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है नाइट्रिक एसिड के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करने के लिए खुद ही ब्रेक हो जाते हैं खुद ही रिड्यूस हो जाते हैं और हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाकर वाटर बनवा कर से बाहर भेजते हैं मतलब नाइट्रिक एसिड खुद ही रिड्यूस होकर हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देता है लेकिन ये बात मैग्नीशियम और मैग्नीज पर लागू नहीं होती जब मैग्नीशियम और नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तब नाइट्रिक एसिड की ऑक्सीडाइजिंग पावर खत्म हो जाती है और इस तरह से हाइड्रोजन गैस रिड्यूस नहीं हो पाती अगली रिएक्शन है किसी मेटल की दूसरे किसी मेटल के सॉल्ट सोल्यूशन के साथ जब कोई मेटल किसी दूसरे मेटल के सॉल्ट सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है तब ये जानना बड़ा जरूरी होता है की कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है जो अकेला है वो या तो फिर जो सॉल्ट में मौजूद है अगर कोई ज्यादा रिएक्टिव मेटल अपने से कम रिएक्टिव मेटल के सॉल्ट के साथ रिएक्ट करता है तो ज्यादा रिएक्टिव मेटल कम रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस कर देगा लेकिन अगर कोई कम रिएक्टिव मेटल अपने से ज्यादा रिएक्टिव मेटल के सॉल्ट के साथ रिएक्ट करेगा तो कोई रिएक्शन नहीं होगी फॉर एग्जाम्पल आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है ज्यादा स्ट्रांग है तो अगर आयरन कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करे तो आयरन कॉपर को कॉपर सल्फेट से डिस्प्लेस कर देगा और प्रोडक्ट बनेगा कॉपर और आयरन सल्फेट लेकिन अगर कॉपर आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करे तो कॉपर आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा क्योंकि कॉपर आयरन से कम रिएक्टिव है अब कौन सा मेटल किससे ज्यादा या किससे कम रिएक्टिव है इसे हम रिएक्टिविटी सीरीज से याद रख सकते हैं रिएक्टिविटी सीरीज हमको ये बताती है कि पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है क्योंकि वो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर है पोटेशियम के बाद सोडियम का नंबर आता है तो सोडियम पोटेशियम से कम रिएक्टिव है इसी तरह से कैल्शियम सोडियम से कम रिएक्टिव है सोडियम कैल्शियम से ज्यादा रिएक्टिव है कैल्शियम के बाद नंबर आता है मैग्नीशियम फिर उसके बाद एल्यूमिनियम जिंक आयरन और सबसे लास्ट में जो है वो है गोल्ड इसका मतलब गोल्ड जो है वो सबसे कम रिएक्टिव है इस रिएक्टिविटी सीरीज में एक बात आपने महसूस की होगी कि हाइड्रोजन एक मेटल नहीं है पर फिर भी उसे रिएक्टिविटी सीरीज में मेटल्स के बीच में स्थान दिया गया है ऐसा क्यों हाइड्रोजन को रिएक्टिविटी सीरीज में यह बताने के लिए रखा गया है कि कौन सा मेटल हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है और कौन सा मेटल हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है वो सारे मेटल्स जो हाइड्रोजन से ऊपर है वो सब के सब हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है और वो सारे मेटल्स जो हाइड्रोजन से नीचे है वो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है पर यह बताने से क्या फायदा होगा देखिए सीधी सी बात है जो मेटल हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है वो हाइड्रोजन को वाटर से या एसिड से डिस्प्लेस कर सकता है पर जो मेटल हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है वो हाइड्रोजन को वाटर से या एसिड से डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा अर्थात हाइड्रोजन के ऊपर वाले मेटल्स एसिड से या वाटर से रिएक्ट कर जाएंगे और हाइड्रोजन के नीचे वाले मेटल्स एसिड से या वाटर से रिएक्ट नहीं करेंगे यही कारण है की कॉपर मरकरी सिल्वर और गोल्ड वाटर या एसिड से रिएक्ट नहीं करते क्यूँकी रिएक्टिविटी सीरीज में वो हाइड्रोजन से नीचे स्थान पर है तो ये तो बात हुई आर्टिकल थ्री के थ्योरी की अब अगले वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसी आर्टिकल से रिलेटेड इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हाँ अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा थैंक यू